दोस्त नमस्कार। ये देखें जी, चमचमाते हुए फोर्ड को देखते सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ देखें जी, पापा जी मम्मी जी ने नाश्ता कर लिया है और टंकी भर गई है। तो दोस्तों एकदम से अभी दोस्तों यहाँ उसने मिस्त्री ने ये लकड़ी का इसका बोर्ड नहीं बनाया है। तो दोस्तों वो भी डिस्टर्ब इसलिए हुआ कि हमने उसे लकड़ी का नाम बता के एक ऐसा बता दिया था जिसमें अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें आग ना लगे, क्योंकि लकड़ी वाले में ज़्यादातर आग लग जाती है। कभी कभार ऐसा मौका पड़ जाता है। तो वो जो ये गेट बनते हैं, जैसे ये वाला गेट बना है, इसी में थोड़ी हल्की क्वालिटी का आता है जो बिल्कुल टाइल की तरह लगता है देखने में, प्लास्टिक सी लगती है, हार्ड प्लास्टिक बोर्ड। वो बोल रहा था उसे बनाने के लिए। तो ये दोस्तों छोटे छोटे काम ऐसे रह रहे हैं कि आज अगर मौका लगता है तो जो हमारा काम रह गया था कि अपना जो रूटावेटर है बड़ा छोटा, इनमें आग गए हैं डीजल लगाने के लिए, इनमें नीचे डीजल काला तेल वगैरह मिला के इनके जो पत्थे हैं इन पे लगाना था पहले। बाकी ऊपर तो बाद में लगा देंगे, पहले नीचे लगा देंगे जितने पे मिट्टी के संपर्क में आए हैं। और यहाँ ये नहा धो के फिट है जी। बारिश बिल्कुल बंद है, रात में बारिश बंद हो गई थी। ये यहाँ दाने डाले हुए हैं बच्चों के लिए, जो चिड़िए और जो कबूतर आते हैं। बाकी यहाँ यहाँ देखें, आज जो थे मम्मी ने बारिश से बचा के यहाँ भी दाने डाल दिए थे काफ़ी सारे। तो दोस्तों यहाँ भी काफ़ी साफ सफाई हो गई है। अब जो है पशु खोर खाली हो गई है पशुओं की, तो अब चारा काटेंगे जी। ये रखा काफ़ी सारा चारा है, तो ये मैंने पल्ली इसलिए जड़ों पर लगा रखी है। एक तो चारा कम सूखता है, आते जाते जड़ों में हाथ नहीं लगते, हाथ वाथ छिलने का डर रहता है। तो ये काफ़ी चारा है जी, करीब तीन तीन है बोझ। तो यहाँ दोस्तों ऐसे करेंगे, अब अपना जो पल्ली वल्ली लगा के फटाक से इसे काटेंगे। फिर दोस्तों चलना है जो है अपने एक भाई के पास में चलना है, उन्हें यहाँ, वो उधर दिल्ली की तरफ रहते हैं शायद, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद कहाँ रहते हैं। तो वो इधर जो है यहाँ मोदीपुरम में उन्हें मकान चाहिए, घर चाहिए मतलब। तो एक बड़ी प्यारी कोठी है जो कि शायद एक ही मंजिल की है, शायद एक मंजिल है जने दो मंजिल है, उसे देख कर आएंगे। तो वो भी आपको अगर मौका लगता है, हाल तो वैसे ऐसे खुले तौर पर किसी की प्रॉपर्टी दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हल्का सा व्यू आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का जो है घर है और किस कितने में कितने गज कितना बना हुआ है और कितने प्राइस उसके मांगे गए हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ मोदीपुरम में मेरठ से आगे दौराड़े से पहले मोदीपुरम पल्लवपुरम है जी, और बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ, काफ़ी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी महंगा, क्योंकि मेट्रो भी आ गई है यहाँ, रोड बहुत अच्छी है, पानी आसपास का बहुत अच्छा है, रहन सहन बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। तो अब चारा काट लेते हैं जी फटाफट। और दोस्तों हमें भी ये करनी पड़ सकती है खेती, ये भी पूरी खेती, ये भी पूरी भरभरा के चल रही है। दोस्तों मैं यहाँ से फटाफट चल रहा हूँ जी, थोड़ा मुझे जाना है, भाई से मिलना है। और यहाँ जो है बबलू भाई और पापा जी अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार जी, अब हम चल रहे हैं। तो दोस्तों रेडी हो गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों दूसरी मोटरसाइकिल में पिंचर हो गया है, तो उसमें दिखवाना पड़ेगा वो पिंचर लीक हुआ कैसे हुआ। मम्मी अपनी छोटी चाकी चला रही हैं और यहाँ सब फिट है जी, बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों चारा वारा सब कट गया था, बिल्कुल बढ़िया हो गया था। तो ये खड़ी हुई है मशीनरी, तो इन्होंने एकदम से जो है प्रोडक्शन गोबर का कर दिया है, तो उसे भी थोड़ा करके पीछे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसे लेके चलेंगे सेंटीरो को। तो दोस्तों पशु हैं जी, देखो अब ये उठे तो इन्होंने गोबर करा और ये निफराम हुए जी इस काम से, तो इन्हें हटा के चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मम्मी आएंगी अपना काम छोड़ के, इधर टाइम लगेगा क्योंकि वो काम में लग रही हैं। जब मुझे ये दिख गया है तो इसे करते हुए चलें। इसलिए कभी भी किसी भी काम को आप अपने को नज़रअंदाज मत करो, जंगल का हो, बाहर का हो, बिजनेस, नौकरी, कहीं कोई भी हो। ज़्यादा काम पेंडिंग हमेशा आपको जो है परेशान करेगा जीवन में, आपके लिए मुसीबत लेकर आएगा। तो इसलिए यही है कि पशु को भी पता चलता है, पशु भी साफ रहना शुरू कर देता है। ये देखो जी मम्मी ने मेहनत करी तो कटिया जो है बिल्कुल अब सेहत बहुत अच्छी बना के चल रही है जी। और धीरे 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 ऐसा मानो जैसे हम लाए थे तो
अपना थोड़ा शरीर और अच्छा कर लिया इसने, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा मड़के नहला नहीं पाते इसे। नहाती बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके गाय के जैसे वे लग रही थी छोटी कलीली, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है। एक दिन साबुन भी लगाई थी हमने इसके, जो वो डी वर्म वाली आती है, क्योंकि दोस्तों एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं लगवा सकते। टिक्का भी लगा हुआ था, और किसी भी तरह से जो साइपरमेथ्रिन आती है जो इनका लगती है, वो इन दिनों में बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि बीमारी इस तरह की आई हुई थी पशुओं में। होंखने वाला बुखार था, मैल मैं डंगर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, तो बारिश ने मौसम बढ़िया कर दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पशुओं को एकदम से आई। तो बहुत ज़्यादा तो इन्हें बहुत बड़ी परेशानी तो आती नहीं, लेकिन अगर आप नज़रअंदाज कर दो, समय से इनका कीड़ों की दवाई ना दो, या समय से इनका ध्यान ना रखो, खोरों की इनकी सफाई ना रखो, क्योंकि ये दोस्तों डेली कोई सा भी मौसम हो, खोर डेली साफ़ होनी चाहिए, डेली साफ़ सफाई होकर जब इन्हें चारा होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है जी। तो दोस्तों अब जो है एक बार बबलू भाई चल रहे हैं जी, मोटरसाइकिल को पिला देते हैं, तो ये अभी ला रहा। तो दोस्तों ये जो तेल है ये पावर वीडर का आया हुआ रखा था, लेकिन बारिश ने पावर वीडर चलने नहीं दिया, तो अभी इसमें डाल देंगे। अभी मैं फूल लेकर आ रहा हूँ जी। अब दोस्तों फटाफट टोल टैक्स पार करते हुए पहुंच रहे हैं जी दोराला साइड में, फिर दोराला से मोदीपुरम की तरफ पहुंचेंगे, फिर यूनिवर्सिटी पार करके घर पहुंचेंगे फटाफट। अब दोस्तों दोराला से आ गए हैं फिर से टोल टैक्स वापस पार करके। ये हमारा इधर मुड़ने का रास्ता है, सोनालिका की एजेंसी है, और देखो जी काली थार, काली काली, मतलब यूँ मान के चलो काली गाड़ियों का क्रेज़ जो है दोबारा से आ गया है। तो अब जो है मोदीपुरम का काम करेंगे शाम को। अब खाने का टाइम हो गया, और दोस्तों घर से खाने का फ़ोन आ गया है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, अब घर पहुँचेंगे, खाना खाएँगे, आराम करेंगे, और उसके बाद में फिर जो है मोदीपुरम का काम करेंगे। दोस्तों तुरंत ही बारिश भी आने वाली है, मौसम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा हो गया जैसे तुरंत ही बारिश आएगी, तो इसलिए जो है खाने का टाइम नहीं निकालते, ये गलत है। अब दोस्तों यूनिवर्सिटी पार करते हुए पहुंच रहे हैं, और ये जो आप ये देख रहे हैं ये इंटरलॉकिंग, ये जो ढाबके वाले अंकल जी हैं जिनका वो एंटिक मैसी हरियाणा गया है, और उनके पास में जो है मैसी 5900 भी है शायद, बड़े वाला टैफे मॉडल वाला, तो उन्हीं के जो है इंटरलॉकिंग भट्टे की ये दोस्तों यहाँ ये ईंट लगी हैं, क्योंकि वो भैया बड़े ठेकेदार हैं, तो जो अंकल जी के बेटे हैं जिनके पास में वाइट थार है, तो ये उन्हीं का ठेका चलाता जी। हाँ देखो ये बहुत ही अच्छी ईंटें लगाई हैं उनकी, बहुत ही अच्छी बनी हुई है, मुझे एकदम से ध्यान आया तो मैंने आपको दिखाया। बाकी दोस्तों यहाँ मेला लगेगा अक्टूबर में, तो मैं आपको ये जानकारी भी दे देता हूँ वीडियो के माध्यम से। ये देखें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी दिनांक 16-18 अक्टूबर 2024 प्रसार निदेशालय स्वागतम इंगटोंग। तो दोस्तों यहाँ मेला भरेगा, यही ग्राउंड है, कई दिन जो है 16-17-18 तीन दिन, पहले चार दिन रहता था, तो ये तो होता ही है, कभी एक दिन का भी होता है, छोटे मेले भी होते हैं यहाँ, लेकिन ये बड़ा मेला होगा, तो आप देखें अक्टूबर में आने की कोशिश करें। दोस्तों आप पहुँचे हैं जी घर, और बहुत ही तकड़ा मौसम उठ रहा है जी, बिल्कुल आप देखें ऊपर बहुत ही तकड़ा मौसम उठ कर आ रहा है। अरे ये देखो जी वो जो नाली है वो बिल्कुल बंद पड़ी है, इसमें देखो कितना पानी आ रहा है, देखो ऐसी गंदी नाली में भी बिल्कुल साफ पानी आ रहा है, तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समरसेबल किसी ने लेटरिन वगैरह में चला हुआ छोड़ रखा है, या कोई वैसे भूल गया है, या कोई वैसे ऐसे बरसात के मौसम में भी कुछ हैं किसान भाई इस तरह के गृहणियाँ जो हैं माताएं बहनें कि पानी बहुत बर्बाद करते हैं। टिंग टोंग दोस्तों नमस्कार। अब शाम को देखें जी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है दोस्तों, एकदम पंखे कूलर चलाने पड़ेंगे, कई दिन से बनते, देखो आज तो खैर बारिश आई नहीं। अब दोस्तों इसका शीशा दिख गया है मुझे, देखो चारों तरफ से जैसे बच्चों ने हाथ लगाए, हमने भी इसे साफ़ करा, हल्के डीजल वीजल के हाथ लग गए वैसे उसके पॉलिश के, तो एक बार जो है थोड़ा सा गिल्ला और सूखा कपड़ा लेके इसे शीशे को साफ़ कर देते हैं, नहीं तो फिर आगे चल के ये साफ़ नहीं होगा हमारे से। बाकी यहाँ सब फिट है जी, चारा वारा सब कट ही गया था, मैं भी आ गया था टाइम से, दूध वूध दोस्तों यहाँ से निकल गया है, तो अब सुबह ही चारा लेने चलेंगे। लेकिन दोस्तों गर्मी ये बता रही है कि बारिश आएगी, अभी तक जो है थोड़ा सा मूड अभी ऊपर वाले का सही नहीं है। दोस्तों बारिश कितनी भी आ जाए, बारिश आ भी बहुत रही है, तो पापा जी घूम रहे हैं, बबलू भाई दोस्तों काम से गए हैं, सामान लेने गए हैं, तो यही है जी।
अब कर रहे हैं जी शाम को काम, कपड़े बदल लेते हैं एक बार। दोस्तों कभी कभी अभी छोटा बच्चा बन जाता है, दादू की गोदी में से नहीं उतरता है और फिर एकदम से शैतानी करता है, टिंग टोंग। तो दोस्तों लगते हैं और दोस्तों शीशा साफ करने के लिए सबसे पहले भैया जी अंश बाबूजी, भैया जी चप्पल नीचे उतार के चढ़ो, ठीक है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सामान नहीं ना बनते बेटे, इनमें कुदरत वाले की भी दुआ हो। और नहीं पैसा तो पब्लिक बहुत बहुत ले रही, टिंग टोंग। दोस्तों अब देखो जी शीशा बिल्कुल साफ हो गया है और मैं लाइट जला के दिखाता हूँ आपको, अभी जला रहे हैं जी। बस ये देखो, ये देखा जी बिल्कुल साफ हो गया है और जो है अच्छी खासी मेहनत करी है जी इसमें, ये देखें जी बिल्कुल बहुत बेहतरीन हो गया। ये भी करें हैं जी साफ, ये अभी इनमें थोड़ा सा रह गया, इन पर फिर से दोबारा से गिल्ला कपड़ा करके और फिर जो है ये अखबार की ट्रिक है जी, जब हम अपनी कहीं दूर दूर गए पहले और छोटे भी थे हम, तो उसे पंखा चलाना पड़ा जी यहाँ से टेबल फ़ैन, नहीं तो गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी कि पशु होंकने लगे थे और जो है आसपास का धुआं के घर में घुस गया, बहुत ज़्यादा आपको महसूस भी हो रहा होगा। तो जी ये देखो फोड़ कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जो फोड़ के जो स्टिकर आने हैं, तो एक तो इस पर जो है यहाँ एक बहुत ही अच्छा स्टिकर लगेगा, एक छोटा स्टिकर इस पर यहाँ लगेगा और यहाँ तो लगाएंगे नहीं, चलो इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, एक छोटा स्टिकर यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक आगे बम्पर के दो स्टिकर बनकाएंगे, एक अंदर का बड़ा और एक छोटा, तो फिर जो है ये बहुत ज़्यादा खाली जगह नहीं लगेगी इसकी। बाकी दोस्तों शीशा साफ कर दिया है और थोड़ा सा काम अब यहाँ पशुओं का कर लेते हैं जी, साफ सफाई कर लेते हैं। बाकी ये देखें दोनों मस्ती कर रही हैं आपस में, जो है खुश हैं जी कालो माँ, उस दिन से कीड़ों की दवाई दे दी थी तो बहुत राहत है। ओ लेकिन जो वर्म जो हैं ये छोटे छोटे जो लग रहे हैं, क्योंकि गर्मी इस तरह से पड़ रही है, बरसात हो रही है, रोज़ नहाते नहीं पशु, तो क्योंकि दोस्तों ये मेरे अलावा किसी का हाथ भी लगवाना पसंद नहीं करती, बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग जाती है तो सब इससे डरते हैं, दूर दूर से पानी मार देते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप पशु को मल के नहलाओ तो छोटे छोटे जो बच्चे लगते हैं कहीं घूमते रहते हैं चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर अपने पशुओं से आपको ये चींचड़ी कलीली और जो ये होते हैं छोटे छोटे ये कई तरह के लगते हैं पशुओं की खाल में चिपटते हैं, नीचे पैरों में बांक में जड़ में लग जाते हैं इधर और इनके आसपास में फैले रहते हैं, तो अगर आप इनकी कई महीने जम के ध्यान रखो और साफ सफाई रखो तब कहीं जाके कंट्रोल होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो वो चीचड़ी मारने की दवाई पानी में मिला के लगा देते हैं वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इंजेक्शन भी ख़तरनाक है और वो भी हैं, तो इसलिए इनका तो इलाज यही है कि आप जो है पशु को रगड़ के नहलाओ तभी बेनिफिट है इसका, और अपना तुड़वाते रहो तो धीरे 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 कम हो जाती हैं। क्योंकि ये ध्यान रखने की बात है, छोटे से तो बड़ी हो गई लेकिन वे छोटी भी तो कहीं से आ रही होंगी, अगर आप बड़ियों को तुड़वा दो उन्हें और अपना वहीं कोई पानी का डिब्बा उसमें थोड़ा सा कुछ बूंद जो है डीजल की डाल लो पानी में और उसी में डालते रहो उन्हें, फिर उस डिब्बे को हिला कर बाहर फेंकवा दो कहीं दूर, घर से दूर। ये भी मैं नहीं कहता कि आप उन्हें अंगारी में, पहले तो हमने बुजुर्गों को देखा कि अंगारी से लगा लेते थे और बैलों की गायों की भैंस की कड़े कटियों की इनकी तोड़ तोड़ के उसमें डालते थे, क्योंकि जो बड़ा कीड़ा है जो आगे चल के इनका खून पी के इनसे उतरेगा और फिर बच्चे देगा, तो अगर आप उस फैक्ट्री को ही ब्लास्ट कर दोगे तो मैं ये नहीं कहता फिर भी अपनी तरफ से कि भाई किसी भी बड़े या छोटे जीव की आप इस तरह से हत्या करो, ठीक है भाई उन्हें डिब्बे में डलवा लो, उस टाइम पे वो पानी में से बाहर निकल के नहीं भागती, जब आपको लग जाए कि काफ़ी सारी टूट गई हैं तो उसे डिब्बे को हिलाओ ले जाकर अपना दूर कहीं फेंक दो, तो उसमें बेनिफिट रहता है कि वो पशुओं से दूर चली जाती हैं और फिर पशु को राहत रहती है। तो यही है दोस्तों, थोड़ा सा काम इनमें कर लिया है, अब जो है थोड़ा सा काम पशुओं में भी कर लेते हैं, टिंग टोंग चूली बूली।